सो गाइज, आज की इस वीडियो में 2024 के तीन ऐसे आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप इन कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल भी देखने मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर मिनिमम यहाँ पर 750 है तो। और आप इन कार्ड को एक बार अप्लाई कर लेते हो, कार्ड आपको रिसीव हो जाता है, तो इन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के अंदर ही अभी आपको डायरेक्ट रेफरल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रोमो, बैंक साथी, क्रेडिट कार्ड जैसे एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड को रेफर करने पे कई बार यहाँ पर रेफरल ट्रैक नहीं हो पाता था, कई बार हमारी अर्निंग हमें नहीं मिल पाती थी। लेकिन अभी के टाइम में जितने भी बैंक के एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड वाले, सभी में रेफरल प्रोग्राम आ गया है। लेकिन आज की डेट में आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से होने वाले हैं जहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी, तो इस वीडियो में आपको तीन ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन सभी क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस तरह से आप कार्ड को अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई करने के वास्ते कार्ड को रिसीव करने के वास्ते रेफर करके पैसे कमाएंगे, और मैंने इन क्रेडिट कार्ड को रेफर करके अब तक कितनी इनकम जनरेट करी है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो हमारे इस लिस्ट में जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि एक मेटल क्रेडिट कार्ड है, और एक कार्ड जो है लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आप इसे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे या प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, यहाँ पर बस आपको देखने को मिल जाएगा वन कार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड। नीचे अगर आप पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखने को मिल जाएगा ये जो कार्ड है लाइफ टाइम के लिए फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फी, कोई एनुअल फी यहाँ पर आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जितने भी पॉपुलर ब्रांड है सभी के साथ इनका टाइप है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 5-10% तक का डिस्काउंट देखने को दिया जाता है। तो आप इस कार्ड पे डिस्काउंट भी ले सकते हो और रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करनी होगी, और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि वही मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना है जो कि आपके बैंक से लिंक हो, आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आप यहाँ पर इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएँ। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, OTP वेरीफाई करेंगे, और अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफिकेशन हो जाता है सिम के थ्रू। नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी ईमेल आईडी चूज करनी होगी। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद से आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देते हैं। पैन कार्ड नंबर एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको इस एप्लीकेशन का एक 4-डिजिट का पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो पिन को एंटर करेंगे, री एंटर करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, देन आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इतनी लिमिट मिल गई है और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको ये ऑप्शन आ जाता है तो आप इस कार्ड को इजीली यहाँ पे ले पाएंगे। आपको कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बेसिक स्टेप कंप्लीट करने होंगे, उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, गेट वन कार्ड पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इनिशियली 85,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, गेट वन कार्ड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जो लिमिट होती है सिविल टू सिविल वेरी करती है, किसी को 3 लाख की लिमिट मिल सकती है, किसी को 25,000 रुपीज़ की लिमिट मिल सकती है, तो लिमिट आपके सिविल पे डिपेंड करता है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, गेट वन कार्ड पे क्लिक करना होगा। गेट वन कार्ड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना होगा, फादर्स नेम एंटर करना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, आप क्या काम करते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके लास्ट में एक ऑप्शन आएगा आपकी एनुअल इनकम क्या है और आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको लास्ट वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, इसके लिए आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको KYC के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर कोई से भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जो आपका एड्रेस होगा जो कि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड से लिंक होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके एक न्यू एड्रेस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी अदर एड्रेस पर रहते हैं तो। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो KYC का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो KYC कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी होगी KYC के लिए। यहाँ पे मेरे केस में फिजिकल KYC का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली डेट और टाइम सेलेक्ट करके कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे जो आपकी अपॉइंटमेंट है बुक हो जाएगी। अपॉइंटमेंट वाले डेट पर कोई पर्सन आएगा, वन कार्ड की ओर से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको कार्ड रिसीव हो जाएगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, वन कार्ड एप्लीकेशन के अंदर आना होगा, अपने कार्ड को लिंक करना होगा, कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। यहाँ से आप कार्ड की सर्विसेज, स्टोर, इनसाइट, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्टोर पर क्लिक करेंगे तो जिन भी ब्रांड के साथ इनका टाइप है जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है वन कार्ड यूज़ करके, सारे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे।
और लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा गिफ्ट बॉक्स का, रिवॉर्ड्स का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन देखने मिल जाएगा और ऊपर एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा अगेन आपको रिवॉर्ड्स का। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा अभी मेरे पास 19,444 पॉइंट अवेलेबल है जिसे मैं रिडीम कर सकता हूँ। और देन अगर आप सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा रेफर फ्रेंड्स एंड गेट 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स व्हेन योर फ्रेंड्स एक्टिवेट देयर वन कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि आप इस कार्ड को रेफर करके हर एक रेफरल पे 2500 पॉइंट अर्न कर सकते हो। और यहाँ जो 2500 आपको पॉइंट मिलेगा, कॉइन मिलेगा, उसे आप रियल कैश में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, टॉप में आना होगा, यूज पॉइंट्स पे क्लिक करना होगा। यूज पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद से मैं यहाँ पे 1K सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, टैप करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद से स्वाइप डाउन कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज हमें रियल कैश मिल चुका है और ये जो रियल कैश होगा आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, यहाँ से उस कार्ड की पेमेंट हो जाएगी और आप उस कार्ड को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म पे डेली के 1000 रुपए अर्न कर सकते हो हर एक रेफरल से। यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अब चलिए हम बात करते हैं लिस्ट के सेकंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो जो क्रेडिट कार्ड है SBI की ओर से आता है। अभी के टाइम में अगर आप SBI कार्ड के लिए अप्लाई कर लेते हो, आपका कार्ड बन जाता है, देन आप यहाँ पे SBI कार्ड एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड को रेफर करके हर एक रेफरल पे 500 रुपीज अर्न करने वाले हो। और जो आपके लिंक्स हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेगा उससे भी यहाँ पे 500 रुपीज मिल जाएगा, यानी कि दोनों ही पर्सन को 500 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक बार आपको देखने मिल जाएगा। अभी के टाइम में अगर आप SBI कार्ड को रेफर करते हो तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन को 500 रुपीज का बेनिफिट होने वाला है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको SBI के टोटल 42 कार्ड यानी कि 42 कार्ड देखने मिल जाएगा। डिफरेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्ड दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे SBI का हर एक कार्ड का अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग फीचर हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा कार्ड बेस्ट हो सकता है, तो इसके लिए जो मैंने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे SBI का कैशबैक वाला कार्ड है। और इस कार्ड को मैंने नंबर 1 पे इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज करने पे 5% का कैशबैक मिलने वाला है, चाहे ऑफर हो या ना हो। आप इस कार्ड को अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जोमेटो पे, कहीं पे भी यूज करो, कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करो, आपके हर एक ऑर्डर पे 5% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन इस कार्ड का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर आपको 999 का ज्वाइनिंग फी, 999 का यहाँ पर रिनोल फी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कार्ड को हर एक प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो और यहाँ पर अपने पैसे सेव करते हो तो आप यहाँ पे 2,00,000 रुपये जैसे स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पर आपकी जो रिनोल फी है माफ हो जाएगी, यहाँ पर आपको कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी। तो आप इस कार्ड को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रिनोल फी नहीं देना है, ज्वाइनिंग फी नहीं देना है, तो यहाँ पर आपको SBI के एक और कार्ड देखने मिल जाएगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कार्ड है, वो यहाँ पे सिंपली सेव करके रुपए कार्ड है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि रुपए कार्ड है तो आप यहाँ से UPI भी कर पाओगे, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, फोनपे के अंदर, पेटीएम के अंदर लिंक करके डायरेक्टली आप इस कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको 499 का ज्वाइनिंग और रिनोल फी देखने मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को यहाँ पे यूज करते हो और आपकी एक्सपेंस जो है काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है तो यहाँ पे भी आपको कोई ज्वाइनिंग फी, कोई रिनोल फी नहीं देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। मान लीजिए अगर आपको रुपए कार्ड ही अप्लाई करना है तो आपको सिंपली रुपए कार्ड वाले सेक्शन के अंदर आना होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं कि 500 रुपीज़ का आपको वाउचर फ्री मिलने वाला है रेफर कोड अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने पे। तो जैसे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से पेज आपको देखने मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें मेन आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल, आधार डिटेल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक कर देना होगा। जैसा आप क्लिक करेंगे जो भी कार्ड आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप देखने मिल जाएंगे कार्ड को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और लास्ट यहाँ पे KYC का है। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एरो पे क्लिक कर देना होगा। जैसा आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर एंटर करके बॉक्स को चेक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से नेक्स्ट पेज पे आपको अपना करंट सिटी नेम चूज करना होगा। करंट सिटी नेम चूज करने के बाद से यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, अगेन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद से अब आपको अपना मदर्स नेम, अपनी ईमेल ID, ये डिटेल एंटर करनी होगी। ये डिटेल एंटर करने के बाद से अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से अब आपको चूज करना होगा आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो आपका कार्ड है इजीली बन जाएगा, आपको रिटायर्ड सेलेक्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना कंपनी नेम, आप कंपनी में किस रजिस्ट्रेशन पे हैं, ये डिटेल सेलेक्ट करनी होगी। कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करना होगा, कंपनी का एड्रेस एंटर करना होगा, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा।
ये डिटेल एंटर करके कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना होगा। आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी कंप्लीट होते ही जो आपकी रिक्वेस्ट है सबमिट हो जाएगी। अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको मैसेज रिसीव होगा। मैसेज को ओपन करना होगा, कार्ड को अप्लाई करना होगा, कुछ और डिटेल एंटर करनी होगी जो आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। देन जो आपका कार्ड है आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, प्ले स्टोर पर आना होगा। यहाँ पर आपको SBI कार्ड सर्च करना होगा, SBI कार्ड का एप्लीकेशन देखने मिल जाएगा। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करके अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लॉगिन करने के बाद से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो कार्ड अप्लाई कर रखे हैं SBI के। फर्स्ट यहाँ पर सिंपली सेव करके है और इसकी लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 82,000 रुपीज की है। और दूसरे यहाँ पर कैशबैक वाला कार्ड है, इसे भी मैं यूज कर रहा हूँ और इसकी लिमिट मुझे काफी कम मिली है। तो यहाँ पर आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने इन दोनों कार्ड को अप्लाई भी किया है, मुझे रिसीव भी हुआ है। बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ से आपकी अर्निंग होगी। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आप रेफर करके अभी के टाइम में SBI कार्ड को 500 रुपीज़ हर एक रेफरल से अर्न कर सकते हो। और रेफरिंग कहाँ से मिलेगी तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रेफरिंग देखने मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आप रेफर करोगे उसे ट्रैक करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक रेफरल का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि आपने कितने लोगों को रेफर किया, कितने लोगों का अप्रूव हुआ एप्लीकेशन, कितने लोगों का प्रोग्रेस में है। और व्यू अर्निंग्स पे क्लिक करके यहाँ से अपनी अर्निंग भी चेक कर सकते हो कि आपने SBI कार्ड को रेफर करके कितनी अर्निंग जनरेट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 20,500 रुपये अर्न किए हैं और कब कब अर्निंग हुई है, कितनी की अर्निंग हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और जो आपकी अर्निंग होती है वाउचर के फॉर्म में मैसेज पे आती है, मैसेज में जो कोड होता है उसे रिडीम करना होता है। रिडीम करने के बाद से आप उसे अमेजोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अब चलिए हम बात करते हैं लिस्ट के लास्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये जो कार्ड है आप जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हो, जो कि CSB बैंक का है। और इस कार्ड को मैंने अप्लाई किया था कुछ दिन पहले, कार्ड मुझे यहाँ पर रिसीव भी हो चुका है, आप देख सकते हैं CSB बैंक जुपिटर की ओर से कार्ड आ रखा है। और इस कार्ड के अंदर मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए की लिमिट मिली है और इंस्टेंट अप्रूवल भी मुझे मिल गया था विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। और इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद से जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर जाके हर एक रेफरल पे आप 1,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा अर्निंग आपको इस कार्ड को रेफर करने पे होने वाली है। तो जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, इस कार्ड को अप्लाई करना होगा। तो किस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर जाके इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जुपिटर UPI इन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन की रेटिंग 4.4 की है और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है। तो एप्लीकेशन जो है अर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। अगर आपका सिविल सही होगा तो यहाँ पर आपको कार्ड ईजिली देखने को मिल जाएगा। तो जैसे एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाए आपको सिंपली ओपन करने के बाद से गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, देन आपका सिम वेरिफिकेशन होगा। इस केस में जो आपका मोबाइल नंबर है रिचार्ज भी होना चाहिए। सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद से अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। बेसिक डिटेल एंटर करने के बाद से जैसे कि पिन पैटर्न सेट करने के बाद से यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का, सेविंग अकाउंट ओपन करने का और लोन को अप्लाई करने का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, क्रेडिट कार्ड को चूज करना होगा। क्रेडिट कार्ड को चूज करने के बाद से क्रेडिट कार्ड के जितने स्टेप हमने बाकी के दो प्लेटफॉर्म पे फॉलो किए, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। जैसा आपका अप्रूवल आ जाता है आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये एक रुपए कार्ड है, तो ये जो कार्ड है आपके जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर ही देखने मिल जाएगा, जहां से आप इसे कम्प्लीटली एक्सेस कर पाएंगे। यहां पे फिजिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये रुपए कार्ड है, तो आप इसे कहीं पे भी लिंक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करके इस तरह से आपकी अर्निंग होगी तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, यानी कि होम पेज पे। यहाँ पर अगेन आपको 3 ऑप्शन देखने मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का, लोन्स का, इन्वेस्टमेंट का। आपको क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देना होगा। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद से सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा अर्न 1,000 रुपीज ऑन एवरी रेफरल। तो यहाँ पर आपको हर एक रेफरल पे 1,000 रुपीज मिलने वाला है। सामने वाले पर्सन को सिंपली करना क्या होगा, आप लिंक से कार्ड को अप्लाई कर लेना होगा। कार्ड को अप्लाई करने के बाद से जैसे वो पर्सन इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है, ट्रांजेक्शन कर लेता है, यहाँ पर आपको 1,000 रुपीज की बेनिफिट हो जाएगी। और बेनिफिट को किस तरह से रिडीम करोगे, तो यहाँ पर आपको होम पेज पे ही
एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जेवल्स का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे अकाउंट के अंदर 1522 जेवल्स अवेलेबल है जिसे मैं रिडीम कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 18,075 जेवल्स को रिडीम भी कर रखा है और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर रखी है, तो यहाँ से भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम होने वाली है। यहाँ पर आप ज्वेल्स को रिडीम करते हो तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट होने के बाद से जो भी आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिंक करोगे उसमें जो पैसे हैं ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट के अभी के टाइम में 3 क्रेडिट कार्ड जिन्हें आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ, और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद से जैसे कार्ड रिसीव हो जाता है इन अप्लीकेशन को इन क्रेडिट कार्ड को आप रेफर करके दिन के 1000 रुपये अर्न कर सकते हो। और ऐसी अर्निंग रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।